किसान है जी का आमने सामने भी हो गया, हालांकि मामूली झड़प है जी की, जरूर हुई बैरिकेड वगैरह है जी का, इन्होंने खरीद गया। हाँ अगर ऐसा करते हुआ है तो इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। मालूम हो गया इस शहर के अंदर ना जाने कितना भ्रष्टाचार है इन्हें 1-1.5 साल के अंदर नगर पालिका में हुआ है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम सा, मैं मनोज और थे देख रहे हो झलक चूरू चैनल पर, नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट देश का। फिलहाल चूरू के तारानगर हूँ, बड़ी खबर है जथे किसान है वे महापड़ाव डालियो। पिछले 2 महीनों है जो धरनो तहसील कार्यालय का आगे अखिल भारतीय किसान सभा उच्चारण लाग रही हो, और मंगलवार ने है जिको किसान महापड़ाव करियो है। और एक बार स्थिति आ रही बीच में सी के पुलिस और किसान है जी का आमने सामने भी हो गया, हालांकि मामूली झड़प है जी की, जरूर हुई बैरिकेड वगैरह है जी का, इन्होंने खरीद गया हा, और न कोई लाठीचार्ज हुए है और न कोई बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई। हालांकि कुछ देर के लिए है जी की स्थिति तनावपूर्ण रही, क्योंकि काफी तादाद में है जी का किसान पहुंचे हा, और साथ ही साथ पुलिस जाब्तों भी एहतियात के तौर पर काफी लगाई गई हो। तमाम आला अधिकारी भी हा, DSP ओम प्रकाश गोदारा तारानगर, SHO गोविंदराम बिश्नोई, SDM मोनिका जा खड़े, कृषि पर्यवेक्षक, तमाम आला अधिकारी भी हा, लेकिन वार्ता है जी की बेनतीजा रही है। निर्मल कुमार प्रजापत है बांगी अगुवाई में, ओ धरना प्रदर्शन की ओ जा रही हो, और बैठे अभी भी यहाँ कह रहे हैं कि सरकार जताई मांगा नहीं मानी, जताई धरना प्रदर्शन ही जारी रहे। वो बैठे पूरे विवाद की यदि बात कर ले तो फसल बीमा क्लेम है बेने ले गए, और एंग साथ ही साथ कुछ अन्य मांगा है जिकिन ले गए। धरना प्रदर्शन है जी को करी जा रही है, तकरीबन 20 के करीब है जी की मांग है। मुख्य मुख्य जहाँ पेयजल है, BBM आसपास की सड़क भी है, लेकिन मुख्य रूप में यदि बात कर लें तो फसल बीमा क्लेम खातर है जी को धरना प्रदर्शन करी जा रही है। तो यही कुछ तस्वीर है जी की थे देखो, और मंगलवार ने रात ने भी है जी का धरना स्थल पर लोग मौजूद रहा, और खाना पानी भी बैठी बनाई गई है। तमाम जानकारी है जी का कृष्ण शर्मा है जी का अखिल भारतीय किसान सभा जुड़ेड है, एमाने दी है उपलब्ध। और निर्मल कुमार प्रजापत कहे कि आगे भी यही संघर्ष है जी को, जताई मांगा नहीं मानी जा रही, जताई जारी रहे वो बड़ी, मतलब जी की सरकारी बीमा कंपनियां है या बीमा कंपनियां वह कह रही है कि मैं सेटेलाइट के आधार पर है जी को खराबो है, वह मान रही को नहीं, जबकि किसान कह रहे हैं कि खराबो वास्तविकता में हुई, थाने की कुछ लाग रही है खराबो किया की हुई हो, क्योंकि पिछले समय में भी काफी रिपोर्टिंग है जी की जाके ग्राउंड पर गिरी तो वास्तविकता में खराबो है, कई जगह बहुत ज्यादा है, तो खटी नॉर्मल तो खटी कम है लेकिन खराबो है। दूसरी खबर की बात कर लें तो बिना निर्माण के भुगतान करने का आरोप लगे है, भाजपा जतायु है विरोध। पूरा मामले की बात करा तो चूरू जिले तारानगर में यह खबर है, जैठे नगर पालिका की ओर कराए जा रहे निर्माण कार्य में अनियमितता बरतन का आरोप लगे। मंगलवार ने भाजपा नेता प्रदर्शन कर, भाजपा नेता राकेश जांगड़ के नेतृत्व में नारेबाजी कर विरोध जताई गई, और पालिका कर्मी कांग्रेस का मुंशी खाते वार्ता हुई है। बड़ी BJP का लोग है जी का विरोध प्रदर्शन है जी को करियो है, और भ्रष्टाचार का आरोप लगे। राकेश जांगड़ के नेतृत्व में है जी को बाद में बातचीत है जी की करीजगी नगर पालिका में, पहली वार्ड में भी जायजगी हो, और जैठे मोहम्मद तैयब, शिव कुमार पार्षद, कृष्ण सारण, हरीन दोरिया, संजय त्रिलोक, फारूक, विशाल शर्मा, सुरेंद्र, ये तमाम लोग है जी का मौजूद रहा। ये पूरे मसले पर मामले पर है जी का भाजपा नेता राकेश जांगड़ की कुछ कह रहे हैं, सुनांग किया आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये वार्ड नंबर 27 है, और इसके अंदर करीब 1 साल से हमारे पार्षद महोदय शिव कुमार जी शर्मा ये 3-4 क्रॉस और नालियों के लिए लिख लिख कर दे रहे हैं कि ये नालियाँ और क्रॉस बहुत आवश्यकता है बनाने के लिए, लेकिन हम बार बार अवगत कराने के बाद भी नहीं बने। अब कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि ये इनके टेंडर हो चुके, इनके भुगतान हो चुका, तब हमारे पार्षद महोदय ने कहा कि भी हमें फाइल की कॉपी दो, तो फाइल वहाँ से गायब। आज पता चला कि काम शुरू कर रहे हैं, हमने जैन साहब से पूछा है कि आप साइड पर आओ, आपका कौन सा ऑर्डर है और किस तारीख को टेंडर हुआ, किस ऑर्डर से आज काम शुरू हो रहा है, ये जानकारी लेने के लिए हम यहाँ आए हैं, और अब हम नगरपालिका जाएंगे। अगर ऐसा करते हुआ है तो इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, और ये तो मालूम हो गया इस शहर के अंदर ना जाने कितना भ्रष्टाचार है इन्हें 1-1.5 साल के अंदर नगरपालिका में हुआ है, कि नाम निशानी मैं मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक भी नाम आज से पहले है
यहाँ काम का तो आप देख लो, जनता देख रही है, यहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ। आज किस आधार से काम हो रहा है? अगर कोई नया ऑर्डर है तो वो दिखा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किस आधार से ये आज 26 अप्रैल का 2022 का अखबार है, आज के दिन में ये पूछना चाहते हैं कि ये जो नाली और ये क्रॉस किस आधार से बन रहे हैं और कौन से ऑर्डर से बन रहे हैं, कब इनका टेंडर हुआ, कौन सी फर्म है, कौन इसका ठेकेदार है, कौन जयन काम देख रहा है, किसी को पता नहीं। इसलिए हम यहाँ मौके पर आए हैं, सब पार्षदगण है, सब जनप्रतिनिधिगण है और ये जानने के लिए आए हैं। बाकी चूरू जिले अपडेट खातर चैनल सब्सक्राइब कर लियो। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।